नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। भारत में फिलहाल गठबंधन सरकारों का युग है। लगभग सभी राजनीतिक दल और चिंतक ये मानते हैं कि आने वाले लंबे समय तक गठबंधन राजनीति का दौर चलने वाला है। बीच बीच में देश में दो दलीय व्यवस्था के पक्ष में भी विचार आते हैं, लेकिन अभी तो कम से कम ऐसा नहीं लगता है कि देश में कम से कम केंद्र में किसी एक दल की सरकार आ सकती है। केंद्र में बनी गठबंधन सरकारों को लेकर आलोचनाएं भी होती रही हैं। ताजा राजनीतिक घटनाक्रम जो यूपीए के एक अहम घटक दल तृणमूल कांग्रेस के फैसले से पैदा हुआ है, उससे फिर एक बार ये बहस हो रही है कि क्या गठबंधन सरकारें और गवर्नेंस साथ साथ चल सकते हैं, यूपीए वन हो या फिर यूपीए टू। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नीतिगत फैसलों में कई बार गठबंधन राजनीति की मजबूरी को बाधा बताया। इससे पहले भी एनडीए की सरकारों में भी कई ऐसे मौके आए जब गठबंधन के घटक दल केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करते नजर आए। तो क्या गवर्नेंस गठबंधन राजनीति का शिकार होता है, इस मुद्दे पर आज बात करेंगे देश देशांतर में। और हमारे मेहमान हैं स्टूडियो में, मेरे साथ हैं बीजेपी के संजय कौल जी, जो प्रवक्ता हैं पार्टी के। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ शकील अहमद साहब जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार टेलीग्राफ अखबार के रोविंग एडिटर संकर्षण ठाकुर भी हमारे साथ हैं, और बहुत ही जल्दी तृणमूल कांग्रेस के नेता सुल्तान अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल शकील अहमद साहब, आपसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। जो राजनीतिक घटनाक्रम अभी चल रहा है, आपके एक अहम घटक दल तृणमूल कांग्रेस ने समर्थन वापसी का फैसला ले लिया है सरकार से, उनके मंत्री कल इस्तीफा दे सकते हैं, और ये सब ऐसे इसलिए हो रहा है कि सरकार ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिन जो तृणमूल कांग्रेस मानती है कि वो उनकी राजनीति से तालमेल नहीं बैठता है, उनका उनकी आइडियोलॉजी से तालमेल उनका नहीं बैठता। तो क्या आप ये मानते हैं कि गठबंधन की राजनीति के चलते गवर्नेंस पर फर्क पड़ता है, प्रशासन पर फर्क पड़ता है, नीतिगत फैसले लेने पर फर्क पड़ता है? देखिए, ये बात पहले हम सब लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि जो नेशनल पार्टीज है या जो स्टेट की पार्टियां हैं, नेशनल पार्टीज नहीं चाहती है कि राष्ट्रीय स्तर पे कोई गठबंधन की सरकार बने, या जो राज्य स्तर की पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि राज्य स्तर पे कोई गठबंधन की सरकार नहीं बने। हर पार्टी चाहती है कि उसको अपने बल पर बहुमत मिल जाए, मगर होता वैसा नहीं है जो आप चाहते हैं। कभी कभी आपको अस्पष्ट बहुमत मिलता है, कभी कभी आपको अस्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। तो जब आपको अस्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो कुछ लाइक माइंडेड पीपल के साथ, पार्टियों के साथ, या तो आप प्री पोल अलायंस करते हैं या पोस्ट पोल अलायंस करते हैं, और उसमें एक 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 विचारधारा में समन्वय स्थापित करना, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलना, और स्वाभाविक रूप से एक पार्टी की सरकार में फैसले आसानी से, क्योंकि एक व्यक्ति घर का गार्जियन होता है, कलेक्टिव लीडरशिप जब होती है कई पार्टियों के मिलके, तो उसमें कुछ की सहमति कुछ मामलों पे बनती है, कुछ की नहीं बनती है। इसमें परेशानी होती है, इसमें दिक्कतें होती हैं, चाहे यूपीए की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, सबों को ये परेशानियां झेलना, या राज्यों में और विभिन्न दलों की सरकार हो, कई दलों की मिलके, तो ये परेशानी होती है, ये बात सही है। मगर जनता अगर इसी तरह का जनादेश देती है तो राजनीतिक पार्टियों की भी जिम्मेदारी है कि रोज रोज जनता पर इलेक्शन नहीं थोप करके गठबंधन की सरकार लेके ही आगे बढ़ने का प्रयास करें। हाँ, ये बात सही है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है वो ज्यादा अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहती है, मगर फिर भी जो दूसरे छोटे दल ही सही, उनकी भी भावना को निश्चित रूप से समावेश करना चाहिए और उनको भी साथ लेके चलने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ी गति धीमी जरूर होती है। जी जी, शकील अहमद साहब बने रहिए हमारे साथ। संजय कौल जी, अगर मुझे अच्छे से याद है, पीछे जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए थे तो पलवल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आपके वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यह कहा था कि छोटी पार्टियों को वोट मत दीजिए, नेशनल पार्टी को वोट दीजिए। और कई बार आपकी पार्टी की तरफ से इस तरह के भी संकेत मिले कि आपकी पार्टी दो दलीय व्यवस्था के पक्ष में है। तो क्या आपकी पार्टी ये मानती है कि गठबंधन राजनीति के चलते गवर्नेंस पर प्रभाव पड़ता है? इसके दो पहलू हैं और दोनों महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह है कि यहाँ जैसा हम सब मानते हैं कि इसके दबाव कुछ भिन्न किस्म के होते हैं, और ये आसान रहता कि अगर जिसे हम बायपार्टिज़न हिसाब से अगर हम लोग ऑपरेट कर पाते तो उसमें आसानियाँ हैं,
मगर ये कहते हुए भी आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि इससे पहले ऐसा नहीं है कि पहली बार कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही है या कि पहली बार गठजोड़ की सरकारें बनी हैं। यूके में गठबंधन है जी, यूरोजोन में बहुत सारे, नीदरलैंड्स में अभी अभी गठबंधन सरकार बनी है, बहुत सारे दुनिया की, अब जो दुनिया के देश हैं उनमें इसी तरह की सरकारें बन रही, तो ये कहना कि केवल वो कारण है, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये बात सही है कि अगर ये न होता तो शायद थोड़ा आसान होता, और जैसा कि सब मानते हैं उसमें मुझे ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है कि आज जो वातावरण बना है या आज जो हालात बने हैं, इसमें क्या एक छोटी पार्टी या एक गठबंधन सरकार का दोष है, कि क्या उस बड़ी पार्टी का जो उस गठबंधन को चलाती है उसका दोष है जी। क्या ये छोटी पार्टी कोई नाजायज बात कह रही है? आज आपने देखा कि आज यूपीए के सारे घटक दल यूपीए कांग्रेस के खिलाफ हैं, एफडीआई के कम से कम मुद्दे पे बिल्कुल खिलाफ है, डीजल प्राइस हाइक के खिलाफ भी है, तो सवाल तो ये उल्टा पूछा जाना चाहिए। ठीक है जी 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 जी, तो आप ये कह रहे हैं एक तरह से कि जो कोएलिशन में जो बड़ी पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो बाकी गठबंधन के सहयोगों को साथ लेके चले। आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन संकर्षण जी, जो सवाल मैंने अपने बाकी दोनों मेहमानों से पूछा वही आपसे पूछूंगा कि गठबंधन राजनीति का दौर है भारत में और ये आने वाले समय में रहने वाला ऐसा लगता है, क्या आप मानते हैं कि गवर्नेंस पे फर्क पड़ता है गठबंधन की जब सरकार होती है? देखिए, गवर्नेंस पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि गठबंधन का मतलब ही हुआ कि अलग अलग पार्टियां होंगी, अलग अलग राय होगी, कई मामलों पर राय ऐसी भिन्न हो जाएगी कि रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, जैसा कि अभी हो रहा है कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में। गठबंधन की राजनीति में बहुत दिक्कतें हैं, जैसा कि शकील अहमद साहब ने बहुत खुले तौर पे और बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसका गठबंधन होने का मतलब ही यही है कि राय अलग अलग लोगों की होगी और उस पर डिबेट होगा। एक एक शिकायत जो इस गठबंधन के कुछ दल करते आ रहे हैं कि काफी सालों तक कोई समन्वय समिति नहीं रही, डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये भी कहना है इसमें कि तृणमूल कांग्रेस खास करके कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने ही किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहा। मुझे इस बात का मैं इस बात को बिल्कुल आई कैन से दिस स्ट्रांगली कि उनके कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मीटिंग में बार बार किसी न किसी बहाने से नहीं आते हैं जी, हिस्सा नहीं लेते हैं, उनके मंत्री दिल्ली में नहीं रहते हैं, ज़्यादातर अपना समय कलकत्ता में पार्टी के काम में या किस और काम में बिताना चाहते हैं। तो तृणमूल कांग्रेस का पार्टिसिपेशन भी इस सरकार में, इस सरकार की जो नीति का जो फॉर्मेशन है उसमें उस तरह का नहीं रहा जिस तरह का होना चाहिए। जी जी, शकील अहमद साहब, आप गठबंधन राजनीति है, आपने भी बताया कि प्रॉब्लम्स होंगी, संकर्षण जी भी कह रहे थे कि भाई जब अलग अलग राजनीतिक दल हैं, कई राजनीतिक दलों को मिला के गठबंधन की सरकार बनते, निश्चित है कि अलग अलग राय उसमें होंगी, लेकिन सवाल ये है कि गठबंधन राजनीति अगर सच्चाई है तो गठबंधन सरकारें बेहतर काम कर पाएं, गठबंधन सरकारें नीतिगत फैसला ले पाएं, उसका एक मैकेनिज्म डेवलप करने की बात है। और आपकी जो अहम सहयोगी तृणमूल कांग्रेस, जिसका अभी मतभेद चल रहा है सरकार के साथ, उसकी ये बड़ी मांग रही है कि एक समन्वय समिति होनी चाहिए थी, वो समन्वय समिति बनी भी तो उसकी बैठकें नहीं हुई, कोएलिशन पार्टनर्स को विश्वास में नहीं लिया गया, तो कहीं ना कहीं वो जो एक मैकेनिज्म डेवलप करने की जिम्मेदारी थी और खासतौर पर जो बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी होती है, वो कहीं ना कहीं लैकिंग है अभी भी। नहीं, देखिए, समन्वय समिति बनी उन्हीं की मांग पर, समन्वय समिति बनी, उसकी दो बैठकें अभी हाल में बनी है, वो दो बैठकें भी हुई। एक बैठक में जो हम लोगों की जानकारी है ममता बनर्जी जी खुद शामिल हुई और उसमें तमाम बिंदुओं पे चर्चा हुई। ये बात सही है कि आम सहमति बनाने के बाद जो उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी जी, जहां तक एफडीआई का मामला है, जो आज भारत के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा था कि हम आम सहमति बना के पार्लियामेंट के पास आएंगे। आम सहमति बनाने की कोशिश की, आम सहमति नहीं बना, इसीलिए इस सरकार ने ये फैसला लिया कि एफडीआई जो राज चाहते हैं वो राज लागू करें, जो पार्टियां चाहती हैं उनकी जो सरकारें जहां हैं वहां वो उसको लागू करना चाहें तो लागू करना चाहें, नहीं लागू करना चाहें तो नहीं लागू करें।
और ये फैसला पार्लियामेंट में सरकार बताना चाहती थी, मगर आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में पिछले सेशन को पार्लियामेंट को पूरी तरह डिसरप्ट होने के कारण सरकार अपनी बात पार्लियामेंट में नहीं कह पाई, इसलिए सरकार ने किसी को छुपाने का या किसी को के साथ अविश्वास करने का कोई काम नहीं किया है। गठबंधन की मजबूरियां होती हैं, भाजपा के हमारे मित्र बैठे हैं, मैं एनडीए के या का एक वाकया याद दिला देता हूं। आपको याद होगा कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब पे कुछ आरोप लगे थे कॉफिन घोटाले मामले में जी। और उन्होंने त्यागपत्र दिया था, वो एक पार्टी के अध्यक्ष थे, समता पार्टी या जदयू जो भी उस समय था, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री की हैसियत से एक जांच की कमेटी बैठा ली थी। जांच में कुछ देर हो रही थी, लेकिन उस जांच की रिपोर्ट आने के पहले ही गठबंधन के दबाव के कारण पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी को भ्रष्टाचार के आरोप गलत साबित होने से पहले ही जॉर्ज फर्नांडिस साहब को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा था। तो ये गठबंधन की थोड़ी मजबूरी होती है, इसको मैं भी स्वीकार करता हूं और हमारे साथियों को भी जो पैनलिस्ट है उनको स्वीकार करना चाहिए। और गठबंधन का मतलब यह है कि ऐसा बंधन जो गांठ के जरिए लगा हो, स्ट्रेट कोई ये नहीं है, ऐसा बंधन जिसमें गांठ हो। तो जहां गांठ पड़ गई तो वहां तो थोड़ा मोरा सोच का फर्क होगा ही। जी जी, संजय कौल जी, आपने जब अपनी बात रखी थी तो आपने ये कहा था कि जो बड़ी पार्टी है गठबंधन की, उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा मैकेनिज्म पैदा करे जिससे कि जो छोटी पार्टियां हैं उनको आइसोलेटेड फील ना करे, उनको ऐसा ना लगे कि उनको साफ विश्वास में नहीं लिया जा रहा। लेकिन क्या ये बात भी सच नहीं है कि आइडियोलॉजिकली कई चीज़ों पर मतभेद ना होते हुए भी जो उनके उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को सूट करता है उस वजह से या और कई वजहों से कई बार ऐसा लगता है, कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आती है जिसमें छोटी पार्टी नेशनल पार्टी को, क्योंकि उनके दम पे वो सरकार चल रही है, कई बार ब्लैकमेल ऐसा लगता है कि वो ब्लैकमेल कर रही हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं। पेचीदा सवाल है, लेकिन इसको अगर आप ठीक संदर्भ में डालें तो ब्लैकमेल लेने वाला भी उतनी ही कमजोरी दिखाता है और जितनी बदमाशी ब्लैकमेल मांगने वाला करता है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि इस पार्टी के साथ आप नहीं चल पा रहे हैं तो आपके पास भी ये पक्ष, आपके पास भी ये मुमकिन है कि आप कहें कि भाई हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते। आज भी हम देख रहे हैं, आप तृणमूल चले जाए तो सरकार कह रही है हमें हम सरकार नहीं गिरेगी। ऐसी अगर ऐसी क्षमता आप आज रखते हैं तो आप कभी भी तृणमूल के साथ तोड़ सकते थे, केवल उनके ही तरफ से आए, ऐसा जरूरी तो नहीं है। दूसरी बात जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि अगर आप बार बार ये कहें कि भाई मतभेद है और गठबंधन है इसलिए गांठ है, ये गलत परिभाषा है, बल्कि उल्टा है। ये तो आप पे निर्भर है कि आप इस बंधन को कैसे निभाते हैं। आपने खुद कहा कि भाई एफडीआई के मामले पे एक स्टेटमेंट दिया गया था, अब चाहे वो हालात कुछ भी बने और आप कहें कि हमको पार्लियामेंट मौका ना दिया गया, लेकिन आपकी फिर क्या मजबूरी थी? कम से कम उस एलाय को तो कम से कम साथ ले लिया होता। तो एक तो प्रिंसिपल स्टैंड वो दिखा रहा है। लेकिन ये बात भी आप मानेंगे कि गठबंधन में जब मान लीजिए आप ममता बनर्जी चाहती हैं कि उनके स्टेट को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए, वैसे में कई और राज्यों की भी ये मांग है, केंद्र सरकार के लिए संभव नहीं है कि वो सिर्फ पश्चिम बंगाल के मामले को लेके एक कोई फैसला कर ले, आइसोलेशन में कोई फैसला कर ले, और क्योंकि वो गठबंधन का अहम घटक दल है उसको एक पैकेज दे दिया जाए। एनडीए के ज़माने में टीडीपी की तरफ से कई बार इस तरह के दबाव एनडीए सरकार पर, प्रधानमंत्री पर देखने में मिलते थे। तो कुल मिला के अगर सैद्धांतिक बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस गठबंधन राजनीति के चलते हुए जो नीतिगत फैसले लेने की बात है या जो नेशनल इंटरेस्ट में जो बातें कही जाती हैं, जैसे आज सरकार कह रही है कि एफडीआई नेशनल इंटरेस्ट में है, काफ़ी लंबे समय से सरकार 2005 से कोशिश कर रही है, लेकिन अंततः उन्हें एक सहयोगी को नाराज करना पड़ा इस फैसले पर आगे जाने के लिए। देखिए, हर स्टेट में जो भी चीफ मिनिस्टर हो, किसी भी पार्टी का, अपने स्टेट के लिए बेहतरी मांगेगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि केवल क्योंकि कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट में आज सरकार वो चला रही है सेंटर में, और उनका चीफ मिनिस्टर मान लीजिए किसी प्रांत का, किसी राज्य का, कुछ उनके लिए खास नहीं मांग रहा अपने स्टेट के लिए, तो वो समझाएंगे क्यों होगा। ये तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर तुम गठबंधन के हो तो तभी तुम मांग पाओगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, इसे ही तो मैनेजमेंट कहते हैं। एक कंपनी का सीईओ हर साल में जब ऑडिट करता है तो वो इन दबाव और इस खेचतान को लेकर चलता है कि मुझे किस तरह से मैनेज करना है कि मेरे स्टॉक, मेरे शेयर होल्डर्स मेरी कंपनी के बारे में अच्छा सोचे। ये कंपनी का काम, इसी तरह से ये सरकार का काम होता है। और पार्लियामेंट से बड़ा गठबंधन क्या है? संजय कौल जी, इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, संकर्षण जी के पास भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या गवर्नेंस गठबंधन की राजनीति का शिकार हो रहा है। शंकरशन ठाकुर जी, अभी आपने संजय कौल जी को भी सुना और शकील अहमद साहब को भी सुना, ये बात सही है कि जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, उनकी अपनी राजनीति है, उनकी अपनी एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और वो डोमिनेट करती है, उसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो अपनी बात उठाते हैं। लेकिन जब बात आती है कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के इशूज़ हैं या इस तरह के मुद्दे हैं जो आज सरकार कह रही है कि FDI वो नेशनल इंटरेस्ट में लेके आना चाहती हैं, ये कहना शायद बहुत मुश्किल होगा कि तृणमूल कांग्रेस के कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है इस तरह के मुद्दे पर, लेकिन क्योंकि वहां लेफ्ट से उनका सामना है तो आज वो मुश्किलें पैदा कर रहे हैं केंद्र में। तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जा सकता है, जैसे UPA 1 में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, NDA के जमाने में कुछ इस तरह का था, क्या वो इवॉल्व हो सकता है, कोई मैकेनिज्म बन सकता है कि जो इस तरह के इश्यूज हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में कहे जाते हैं या जो बड़े उसमें कहिए कि लार्जर इंटरेस्ट में जो फैसले लिए जाने चाहिए उनका प्रोसेस आसान हो सके? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कानून से या मैकेनिज्म से नहीं चलता है। वो इट इज़ डिक्टेटेड बाय सर्कमस्टांसेस, डिक्टेटेड बाय पर्सनालिटीज, डिक्टेटेड बाय आइडियोलॉजीज। इस पे आप कोई कानून बना के पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला सकते जी। उसको बांध नहीं सकते। UPA 1 में एक मैकेनिज्म शुरू से ही था, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी लेफ्ट पार्टीज के साथ और अन्य दलों के साथ शुरू से ही थी। लेकिन जब न्यूक्लियर डील का मामला आया तो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी टूट गई और वामपंथी दलों ने अपना समर्थन सरकार से वापस ले लिया जी। तो ये कह देना कि सिर्फ कोई मैकेनिज्म बना करके या कोई नॉर्म्स आप इंस्टीट्यूट कर दें और उस नॉर्म से सब चलेंगे, ये हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज, यू मस्ट अंडरस्टैंड यू आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स हियर। पॉलिटिकल पार्टी एक बहुत डायनामिक एंटिटी है। लेकिन शंकरशन जी, क्या भारत में ये जो 1989 के बाद से अगर खास तौर पे हम देखें, जब से गठबंधन सरकारें अब एक तरह से सच नजर आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में भी यही नजारा होने वाला है कि गठबंधन तो बन रहे हैं लेकिन उन गठबंधनों का कोई बहुत ठोस आइडियोलॉजिकल आधार नहीं है और शायद इसलिए भी ये बहुत इस तरह की परेशानी। इसका हम और आप क्या करें जी, हम किसी केमिस्ट्री लैब में जाकर के इसका ठोस आइडियोलॉजिकल आधार तो बना नहीं सकते, क्योंकि लोगों के अलग अलग इश्यूज हैं, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग सोच है, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग कंपल्शंस हैं, रीजनल हैं, आइडियोलॉजिकल हैं। एक कुछ दल जो अपने आप को राष्ट्रीय दल मानते हैं जैसे कांग्रेस और भाजपा, उनका आउटलुक कुछ अलग है। वो जमाना चला गया कि कांग्रेस पार्टी 27-28 राज्यों पर या 25 राज्यों पर एक साथ राज करती थी जी। ये उसी मेरी समझ में ये उन्हीं दिनों का एक रिएक्शन है कि रीजनल पार्टीज बनी, क्योंकि लोगों के एस्पिरेशंस एक पार्टी से फुलफिल नहीं हो रहे थे। तो वो सब प्रोसेस तो बीत चुका, अब हम एक ऐसे प्रोसेस में हैं जहां की ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इसको कोई कानून या कोई मैकेनिज्म से ये हल नहीं होगा जी। उथल-पुथल सरकारों में बचेगी, स्टेबिलिटी आएगी, इनस्टेबिलिटी आएगी। इस दौर से हम गुजर रहे हैं और इस दौर से हम लोगों को गुजरना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं मुझे लगता। शकील अहमद साहब, जैसा कि संजय कौल जी शुरू में कह रहे थे कि जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल होता है उसकी जिम्मेदारी होती है गठबंधन को बनाए रखना, यूपीए वन में आपका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, लेफ्ट पार्टीज जिनका आइडियोलॉजिकली बहुत डिफरेंस था आपके साथ, न्यूक्लियर डील को छोड़ दें या कुछ और आइडियोलॉजिकल मुद्दों को छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा परेशानी आपको नहीं आई थी उस गठबंधन को चलाने में। लेकिन UPA 2 जब बनी तो एक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी आपने तैयार नहीं किया, शायद वो भी एक वजह है कि अदरवाइज आपको शायद पहले दिन ही आपको पता होता कि तृणमूल कांग्रेस या दूसरी जो पार्टियां हैं उनका क्या स्टैंड होगा इन मुद्दों पर। नहीं, देखिए, जब चर्चा हुई कि नहीं बना है और जब जरूरत महसूस हुई तो तृणमूल कांग्रेस के कहने से ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, उसमें खुद ममता बनर्जी जी भी आई। लेकिन इससे हम लोगों को बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होने चाहिए, रास्ता खुद ब खुद निकलता है। देश की जनता ने एक पार्टी की भी सरकार देखी है, केंद्रीय स्तर पर भी और राज्यों में भी। देश की जनता आज देख रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक पार्टी की सरकार नहीं है और केंद्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर भी कई राज्यों में एक पार्टी की सरकार नहीं है, मिलीजुली सरकारें हैं।
तो स्वाभाविक रूप से ये जनता फैसला करेगी। अगर जनता को लगेगा कि इससे देश की प्रगति में, राज्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है, सरकारें फैसला नहीं ले पा रही हैं, तो भारत की जनता, भारत का जो मतदाता है, ये परिपक्व है, यही रास्ता निकालेगा और ये निकाल के एक पार्टी को देगा, जो पार्टी उसको अच्छी लगेगी कि आप शासन चलाइए, आप पूरे देश पे, जो खास के जो नेशनल पार्टीज हैं उनकी बात कि जो नेशनल पार्टीज हैं वो पूरे देश पे आप शासन कीजिए और अपने अपने हिसाब से देश के प्रगति के लिए, उन्नति के लिए काम कीजिए। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो राज्य की पार्टियां हैं, उनको ये देगी राज्य की जनता कि आप अपना स्पष्ट बहुमत हासिल कीजिए राज्य का और अपने हिसाब से राज्य के विकास का काम कीजिए। हम लोगों को जनता के विवेक पर, जनता के जो का जो डिसीजन है उस पर विश्वास होना चाहिए। ये इवॉल्विंग फेज है जी। शकील साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा डेमोक्रेसी को जी, मैं लौटूंगा आपके पास। संजय कौल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्योंकि छोटा सा सवाल मेरा भी है इसमें। शंकरशन जी कह रहे हैं कि कोई शॉर्टकट नहीं है, क्या कोई ये जो चुनौती है गठबंधन सरकारों को चलाने की और उसमें तमाम जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, उनको साथ लेके एक मिनिमम समझदारी बना के काम करने की जो चुनौती है किसी भी केंद्र सरकार? देखिए, शंकरशन जी की बात में दम है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप कोई फॉर्मूला या कोई इक्वेशन बना के चलाएं, कोई केमिकल फॉर्मूला है नहीं जिससे चलेगा। अंततः आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं और आप उनके एस्पिरेशंस के साथ डील कर रहे हैं, तो मामला जो आ जाता है वो बेसिकली आ जाता है तरीका और तहजीब क्या है उसको चलाने का, या उस पर आता है कि वो क्या इज्जत और भरोसे का रिलेशनशिप है कि नहीं है। अंततः ये रिलेशनशिप का मामला है। और यूपीए 2 और जो आपने एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया वो गलत था। यूपीए 2 में जब कांग्रेस सरकार के खिलाफ इतने स्कैम्स हुए हैं तो एक नेचुरल जो एम्पैथी थी वो खत्म हो गई जी। आज उस पे शक होना शुरू हो गया, वो इज्जत कम हो गई। संजय कौल जी, स्वागत रॉय, तृणमूल कांग्रेस के नेता हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जुड़े हैं। स्वागत दा, हम आज कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं कि क्या गठबंधन की जो राजनीति है उसके चलते हुए गवर्नेंस पे फर्क पड़ता है, अच्छा गवर्नेंस देना मुश्किल है क्योंकि गठबंधन की राजनीति में अलग 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 आइडियोलॉजी की पार्टीज होती हैं और उनका अपना एजेंडा होता है और उसमें केंद्र सरकार में खींचतान चलती है और गवर्नेंस का काम सफर करता है। ये तो सही है, हिंदुस्तान में 1989 तक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट था, लेकिन उसके बाद 1989 में फिर कोलिशन गवर्नमेंट बना, 91 से 96 माइनॉरिटी गवर्नमेंट था लेकिन वन पार्टी गवर्नमेंट था, और फिर उसके बाद से तो कोलिशन का जमाना ही चल रहा है। तो ये तो सही है कि कोलिशन सरकार चलाना मुश्किल है, कोई भी पार्टी में इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन भी रहता है लेकिन वो संभाला भी जाता है, लेकिन बहुत सारे पार्टी है तो एक तो मैकेनिज्म करना चाहिए जिसको लेके चलाना है, अगर मैकेनिज्म ठीक से ना हो तो चलाने में मुश्किल होता है। जो यूपीए 2 सरकार के बारे में हुआ है, यूपीए 2 सरकार का एक कमजोरी रहा है कि इसको पहले से कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बना नहीं जी। दूसरा है, इसको पहले से कोई कोऑर्डिनेशन कमिटी बना नहीं, इसलिए पार्टीज भी बाहर आके अपना सवाले उठाते हैं और जो मूल पार्टी है वो भी अचानक सब निर्णय लेते हैं। तो सिंगल पार्टी सरकार तो जरूर जी ले, तो दादा आप ये मानते हैं कि ये चैलेंज जरूर है कि गठबंधन की सरकार जिसमें अलग अलग आइडियोलॉजी की पार्टीज हैं उनको उनको चलाना एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन आप ये भी मानते हैं कि एक मैकेनिज्म हो सकता है कि जो जो डिफरेंसेस हैं उनको नैरो डाउन किया जा सके और स्मूथली काम किया जा सके? जरूर, अगर प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार किया जाए जी, पहले से जी, और जी, सब लोग याद रखे कि कोलिशन में कोई बड़े पार्टी होता कोई छोटे पार्टी होता जी, लेकिन सब लोग को लेके चलने का एक माइंडसेट होना चाहिए जी, अगर ये माइंडसेट होता है
तो ये चलाना संभव है। जी जी स्वागत राय जी, मैं आऊंगा आपके पास, आप बने रहिए टेलीफोन लाइन पे। हमारे साथ शकील अहमद साहब। स्वागत राय का ये कहना है कि ये बात बिल्कुल वो मान रहे हैं कि गवर्नेंस पे फर्क पड़ता है, अलग अलग आइडियोलॉजी के पार्टीज हैं, लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि एक मैकेनिज्म हो सकता है। बेशक शंकरशन जी की बात ठीक है कि कोई शॉर्टकट नहीं होगा, लेकिन एक मिनिमम जो मैकेनिज्म बनाने की बात है, मिनिमम एक सहमति बनाने की बात है। कई बार बड़ी पार्टियां अपनी उस जिम्मेदारी को भी पूरा नहीं करती हैं। नहीं देखिए, स्वागत राव जी बहुत सीनियर लीडर हैं और उनके बात से मैं सहमत हूं, मगर एक बार गौर कीजिएगा कि कई बार सरकार ने फैसले लिए और हमारे सहयोगी दलों के कहने से वो फैसले या तो अमेंड हुए या वापस हुए। इसलिए ये कहना कि मैकेनिज्म नहीं डेवलप हुआ और वन साइडेड बात की गई, इससे मैं बहुत सहमत नहीं हूं। स्वागत राय जी बहुत समझदार, बीजेपी के जो नेता वहां बैठे हैं ये कह रहे हैं कि बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी होती है। सिर्फ याद दिलाना चाहते हैं कि ममता बनर्जी जी बीजेपी के साथ भी थी और उस समय भी इनको छोड़ के ममता बनर्जी चली गई थी, इन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया था उनके साथ और एनडीए छोड़ के ममता बनर्जी चली गई थी। और जहां तक यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज की तारीख में भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हो, बंगारू लक्ष्मण अभी भी जेल में है, बेल नहीं हुआ है उनको, भाजपा के नेता को पता नहीं मालूम है या नहीं मालूम है। तो दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से पहले अपनी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में भी कुछ व्याख्या कांग्रेस की तरकीब छोड़िए, अब जरा ये कांग्रेस की तरकीब छोड़िए जनाब, अब ये कांग्रेस की तरकीब और आदत छोड़िए, अब तो समझिए। शकील अहमद साहब, शकील अहमद साहब माफ कीजिएगा, मैं आपको भी समय देना चाहता था। शकील अहमद साहब आपको भी माफ कीजिएगा, मैं कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत जी 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 संजय कौल जी, संजय कौल जी माफ कीजिएगा, समय की पाबंदी है, वरना मैं आपको जरूर, देश आपके बारे में जो कह रहा है उस पे ध्यान दीजिए, शायद कुछ बदल पाए। संजय कौल जी समय की पाबंदी, नहीं तो मैं जरूर आपको प्रतिक्रिया देने का मौका मिलता है तो मौका देता आपको। कुल मिलाकर इस बहस में हम इतना ही इसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं जो शंकरशन ठाकुर कह रहे थे कि किसी तरह का कोई फॉर्मूला गठबंधन सरकारों को चलाने का नहीं हो सकता है। वक्त के साथ गठबंधन सरकारें और बेहतर तालमेल के साथ काम कर पाएंगी, अनुभव से गठबंधन सरकारें सीखेंगी और एक मैकेनिज्म उसी प्रोसेस से इवॉल्व होगा, कोई एक फॉर्मूला दिया जा सकता है ऐसा संभव नहीं है। देश देशांतर को इसी नोट पर आज यहीं विराम देते हैं, कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।